लक्ष्य 2022 के तहत यूपी के बुलंदशहर में आज कांग्रेस ने प्रतिज्ञा सम्मेलन का आगाज कर दिया। बुलंदशहर से शुरू हुई सियासी रणभेरी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शिरकत की और पदाधिकारियों से सीधे बात की। प्रियंका गांधी ने रैंप पर बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, कासगंज, आगरा, फिरोजाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत समेत सभी 14 जिलों के कांग्रेस पदाधिकारियों से एक एक करके बात की। प्रियंका गांधी ने ग्राम पंचायत स्तर पर इन ब्लॉक और जिला स्तर के पदाधिकारियों से बात की और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ लेवल की तैयारी को जानने की भी कोशिश की। जब कांग्रेस पदाधिकारियों ने युवा, महिला, किसान और बेरोजगारी की गंभीर समस्या को प्रियंका गांधी के सामने रखा, वहीं प्रियंका गांधी ने पदाधिकारियों की बात को बेहद गंभीरता से सुना। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी और अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आजादी का मतलब सत्ताधारी दल नहीं जान सकता। जिस देश को अपने बलिदान से नेहरू जी, पटेल जी समेत तमाम क्रांतिकारियों ने दिलाया, उसका मतलब सत्ताधारी दल भूल गया। भाजपा को आजाद भारत की कमान बिना संघर्ष के मिली है।